मस्जिद के आगे ज्ञान वापी शब्द लगाने को लेकर उठे सवाल। ज्ञान वापी संस्कृत का शब्द है। ज्ञान व्यापी को मस्जिद के साथ जोड़ना ही गलत। मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद, आचार्य अशोक द्विवेदी का बड़ा खुलासा। क्या ज्ञान वापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर ही था जिसे तोड़ दिया गया और मस्जिद बना दी गई? इस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये बात की बात है, लेकिन ये सवाल आज देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वाकई ये मंदिर था जहां मस्जिद बना दी गई, और इसलिए ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे पर लगातार अड़चने डालने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो अब जोर पकड़ने लगे हैं, क्योंकि एक के बाद एक सबूतों के साथ इतिहासकार, जानकार और सर्वे में शामिल सदस्यों की तरफ से सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में आइए सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं सर्वे में शामिल रहे काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी, जिनका कहना है कि मस्जिद के आगे ज्ञान व्यापी शब्द जोड़ना ही गलत है। एक तो ज्ञान व्यापी मस्जिद कहना अनुचित है, क्योंकि उस मस्जिद के बगल में ज्ञान व्यापी तीर्थ है जिसको ज्ञानोदक तीर्थ बोलते हैं। ज्ञान व्यापी तीर्थ में ये भगवान रुद्रेश्वर के त्रिशूल से, गंगा से भी पूर्व, बहुत पूर्व वह जल निकला, तो उनको ये वरदान मिला है कि ये जल रूप में, ये द्रव रूप में शिव हैं। ज्ञान व्यापी कुआँ आप कहते हैं, हम ज्ञान व्यापी तीर्थ बोलते हैं, और ज्ञान व्यापी तीर्थ से पहले ज्ञानोदक तीर्थ है, तो ज्ञान व्यापी तीर्थ का जल पीने से समस्त काशी की यात्रा संपन्न मानी जाती है, और भगवान साक्षात द्रव के रूप में विराजमान है। आज भी जो करोड़ों हिंदू जाते हैं साल दो साल में, वो सब लोग वो तीर्थ का जल पीते हैं। मेरा हिंदू भाइयों से, सनातनियों से निवेदन है कि ज्ञान व्यापी अलग है और आलमगीर मस्जिद अलग है। आलमगीर मस्जिद को ज्ञान व्यापी मस्जिद कह करके इसको ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मस्जिद से काफ़ी दूर ज्ञान व्यापी तीर्थ है। और ज्ञान व्यापी तीर्थ का दर्शन करिए, ज्ञान व्यापी में जल पीजिए, ज्ञान व्यापी में विश्राम करिए, जप करिए, लेकिन ज्ञान व्यापी मस्जिद मत बोलिए। आचार्य द्विवेदी का दावा है कि वो सालों पहले हुए सर्वे में भी शामिल थे। वहां मौजूद कई साक्ष्य इस बात की गवाही देते हैं कि मंदिर को तोड़ा गया था और फिर मस्जिद बना दी गई। साथ ही पुरानी किताबों के हवाले से आचार्य द्विवेदी ने श्रृंगार गौरी के पते को लेकर भी कुछ साक्ष्य रखे। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा जो वाराणसी वैभव पुस्तक है, यदि उसको हम सत्य मानते हैं, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में, जहाँ अन्नपूर्णा मंदिर, जिसको अन्नपूर्णा देवी कहते थे, उसी अन्नपूर्णा मंदिर में श्रृंगार गौरी का विराजमान, ऐसा ग्रंथ में अंकित है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, उनके शिष्य स्वामी शिवानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक लिखी काशी गौरव। काशी गौरव में श्रृंगार गौरी का उल्लेख आता है कि D3/58 मोहल्ला बास फाटक। अब स्वामी जी का उस पर मत है और समर्थन है, तो स्वामी करपात्री जी को तो हम लोग देवतुल्य विद्वान मानते हैं, इसलिए उस पर हम नहीं कह सकते। अब ये सच दो ग्रंथ मेरे सामने हैं, C3/58 और काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में श्रृंगार गौरी। ये बात सच है कि हमारे शिवालय को नष्ट करके मस्जिद बनी है। ये सच है कि जहां मस्जिद बनी है उसके पूर्वी भाग के नीचे शिवलिंग है। बहरहाल मामला कोर्ट में है, अब देखना होगा कि ये जो तमाम दावे और सबूत सामने आ रहे हैं उनसे जांच में कितना सहयोग मिल पाता है। हालांकि सिर्फ आचार्य द्विवेदी ही नहीं बल्कि कई इतिहासकार भी कई फोटोग्राफ, कई सबूत सामने रख चुके हैं और दावा यही कि यहां मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।